हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, जब मैंने आपको करवाई थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे मैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ईएसआर और ईपीआर भी हमने कर लिया है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया है। रोटेशन जो हमने स्टार्ट किया था उसकी फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिससे मैंने आपको बताया है कि मोलिक्यूल्स को हम कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, सिमेट्री टाइप मोलिक्यूल या एसिमेट्री टॉप मोलिक्यूल, स्फेरिकल टॉप मोलिक्यूल, इस तरह की जो कैटेगराइजेशन होती है, उसकी जो ट्रिक होती है, उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज्यादा कंसेप्ट्स भी नहीं है, मिला जुला के 4-5 कंसेप्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, जो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद होते तो आप इजिली निकाल सकते हो नेट या गेट में। और अगर आप जैम के लिए वीडियो देख रहे हो तो जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या फिर जो जैम के लेवल के जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो बहुत ही बेसिक है। अगर आप पढ़ना चाहो तो इजिली कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको देखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल रोटेशनल एक्टिव है या नहीं है, मतलब माइक्रोवेव, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसलिए हमें रेडिएशन कौन सा चाहिए, माइक्रोवेव। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन मॉलिक्यूल्स आर माइक्रोवेव एक्टिव। तो माइक्रोवेव एक्टिव या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कि डायपोल मोमेंट चेंज जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब डायपोल मोमेंट चेंज होनी चाहिए, अगर वहां पे चेंज जीरो है तो उस वाले केस में क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल इनएक्टिव। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं CO2 इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में है ना, तो डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस साइड ऐसे जाएगा, ड्रॉ करेंगे डायपोल मोमेंट हो, और इस साइड ऐसे जाएगा, दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होनी चाहिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप क्लियरली वो देख सकते हो। आप क्या करना, हाँ, बस ध्यान ये रखना है कि जो भी परफेक्ट शेप वाले होते हैं, परफेक्ट मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं, वो सारे माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। परफेक्ट मॉलिक्यूल्स इनएक्टिव इन माइक्रोवेव। अब परफेक्ट मॉलिक्यूल्स से मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नॉर्मल एसपी हाइब्रिडाइजेशन की, तो जैसे सपोज करो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, अगर मैं बात करूं sp2, तो कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल, जैसे मैंने यहाँ पे BFU, अब परफेक्ट मॉलिक्यूल से मेरा क्या मतलब है कि जितने भी जो लिगेंड्स लगे होते हैं वो सारे सेम होने चाहिए। कोई भी परफेक्ट का मतलब है, परफेक्ट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि तो सारे लिगेंड्स सेम होने चाहिए और एक उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे कोई ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है, वो सारे लिगेंड सिमेट्रिक है, तो वो क्या होगा, माइक्रोवेव इनएक्टिव। फॉर एग्जांपल CH4, ये क्या है, माइक्रोवेव इनएक्टिव। ऐसे आप सारे मॉलिक्यूल्स को देख लोगे, जहां पर भी डायपोल मोमेंट चेंज हो रही होगी वहां पर वो एक्टिव है, जहां पर चेंज जीरो होगा उस वाले केस में इनएक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल BF3CO2, ये क्या है, इनएक्टिव। ऐसे ही ये भी इनएक्टिव है, और नाइट्रोजन CH4 या फिर हमारे पास इथीन, ये सारे क्या है, इनएक्टिव, बाकी सारे एक्टिव। ऐसे ही BF3 भी इनएक्टिव। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले, जहां से हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, पेपर में आते ही आते हैं, वहां से हम डायरेक्टली वो फॉर्मूले देखते हैं कि किस तरह से आते हैं। देखो, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फॉर्मूले तो फिर भी सबको याद होते हैं, बट फंसते कहां पर है कि जो यूनिट्स आ जाते हैं, कई बार क्या होता है, किलोग्राम में कोई वैल्यू गिवन होती है, कई बार एनर्जी जूल्स में होती है, कई बार पर सेंटीमीटर में पूछी होती है, तो मेन जो पंगा रहता है वो यूनिट्स का ही रहता है। तो यूनिट्स से ज्यादा फोकस करते हुए पढ़ाऊंगी, जैसे जो एनर्जी होती है इसमें, उसका फॉर्मूला होता है h² / 8π² ij (j+1), ठीक है। ये है हमारा जनरल एनर्जी का फॉर्मूला। अब ये आया कहां से है, इसकी डेरिवेशन, ये आया है क्वांटम से, और इसकी डेरिवेशन हमें जानने की नीड नहीं है, फॉर कंपेटेटिव एग्जाम्स लाइक CSIR, NET, GATE, एग्जाम या फिर कोई भी एमएससी एंट्रेंस के लिए हमें इसकी डेरिवेशन जानने की नीड नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी का, h² / 8π² ij (j+1). अब जी क्या है यहाँ पर, एनर्जी लेवल्स, मैं आपको आगे ड्रॉ करके दिखाऊंगी पूरे एनर्जी लेवल्स। तो जी यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं, और जे की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to 0, 1 to, ऐसे करके अप टू n, ओके। और जो आई है, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ये एनर्जी का फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये अगर ये एनर्जी हम इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो उसकी यूनिट क्या आएगी, जूल्स। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जूल्स के लिए फॉर्मूला है, अगर आप एनर्जी जूल्स में निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। बट क्या होता है, जनरली क्वेश्चन में आपको पर सेंटीमीटर के टर्म्स में बात करता है एग्जामिनर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी एनर्जी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है पर सेंटीमीटर में।
अब मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ कि जैसे सपोज करो ऊपर जूस है, ठीक है, ऊपर जो भी है कोई भी टर्म है उसके हमारे पास यूनिट है जूस। हमें क्या चाहिए, इसको पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जहां पर भी आपको जूस को कन्वर्ट करना होगा पर सेंटीमीटर में, इस यूनिट को अगर कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे एच सी से। और यहाँ पे ये तो है जूस और यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, 6.626 इंटू 10^-34। और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड। जैसे ऊपर अगर मैं लिख रही हूँ जूल्स यहाँ पर, तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल सेकेंड, ठीक है। और सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं कंसिडर कर रही हूँ कि अगर हम 3 × 10^10 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेके चल रहे, ठीक है, ये हमारे सी की वैल्यू है। तो अब देखो, आपको मैं हमेशा ये बताती रहती हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो फिजिकल की या कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो यूनिट्स को साथ में लेके चलो, ताकि आपको समझ में आए कौन सी चीज कैंसिल हो रही है, क्योंकि यूनिट्स भी लास्ट में कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर। मतलब जो वैल्यू आपकी पहली एनर्जी, जो एनर्जी की पहली वैल्यू जूल्स में थी, अगर आप उसको डिवाइड कर दोगे बाय एच सी, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट, तो आपकी जो फाइनल एनर्जी आएगी वो किस टर्म्स में आ जाएगी, पर सेंटीमीटर की टर्म में। तो जो काम मैंने आपको यहां पर करके दिखाया वो मैं इस फॉर्मूला में भी करती हूँ। देखो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, हमें बस ये करना है कि हम जूल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं पर सेंटीमीटर में। और इतना काम आपको एग्जाम में ना करना पड़े, आपको डायरेक्ट सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है, वो यहाँ पर हम सीख रहे हैं। देखो मैं क्या करूंगी, दोनों ही साइड डिवाइड कर दूंगी एक्ससी से। यहाँ पर मैं एक्ससी से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर मैंने एक्ससी से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, ई अपॉन एक्ससी, इसका मतलब क्या है, इसकी यूनिट है जूल और ये भी क्या हो जाएगा, पर सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, इसको ई डैश लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ई डैश का क्या मतलब है कि ये पहले जो एनर्जी थी ये जूल्स में थी, अब जो ये ई डैश है ये क्या है, पर सेंटीमीटर में, ठीक है। और यहां से क्या होगा, एक एच से पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, एच अपॉन नीचे 8π² आई सी जे इंटू जे प्लस 1। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। और आप ये कब यूज करोगे, जब आपसे फाइनल एनर्जी पूछी हुई है इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। अब एक और बार, जो ये वाली पूरी टर्म है या फिर जो ये वाली पहली जो टर्म थी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्वल टू लिखते हैं बी के। यहाँ पे बी क्या है, रोटेशनल कॉन्स्टेंट, रोटेशनल कॉन्स्टेंट। आपको जनरली इन मैक्सिमम केसेस 90-95% केसेस में क्या होता है, बी की वैल्यू भी पर सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन 8π² आई सी, ये है आपकी बी की वैल्यू और उसकी यूनिट क्या आएगी, पर सेंटीमीटर। इन केस आपको बी की वैल्यू भी जूल्स में चाहिए एज पर क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप ये वाली यूज करोगे। अगर आपको जूल्स में चाहिए तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिना एच से डिवाइड किए हुए क्या हो जाएगी, h² / 8π² I। ये है बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल्स, ठीक है। इतना क्लियर है अभी जितना हमने सीखा। तो बस अब क्या है, जो ये फॉर्मूला है ई डैश, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई डैश इज इक्वल टू ये वाली पूरी टर्म, तो क्या होगी भाई, रोटेशनल कांस्टेंट मतलब बी, और साथ में क्या है, जे इंटू जे प्लस 1। तो ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला आ गया है, बी जे इंटू जे प्लस 1। या फिर डायरेक्टली आप इसको भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस 1। यहाँ पे ई और ई डैश में मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट ई लिख रही हूँ, इसका मतलब ये जूल्स में है, और ई डैश का मतलब ये किसमें है, पर सेंटीमीटर में, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली इसको ई लिखो, बस ब्रैकेट में लिख दो कि पर सेंटीमीटर में है यूनिट, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में यूनिट का स्पेशली पंगा पड़ता है। तो फिर आगे देखते हैं कि एनर्जी लेवल्स को हम बेसिकली देखते किस तरह से हैं। अब देखो जैसे हमारे पास है, अच्छा एक और बात कि जो आई की वाली मैंने आपको बताई है, आई क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके लिए भी डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आपको मॉलिक्यूल गिवन होता है और उसका आपको निकालना होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सपोज करो हमारे पास कुछ इस तरह का एग्जाम, फर्स्ट केस ये होता है कि हमारे पास ऐसे वाला एग्जाम्पल, जैसे CO2, ठीक है। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं जो ऑक्सीजन है इसका मास है हमारे पास M1, या फिर अगर OCO भी नहीं दिया हुआ है इस तरह से, आपको हो सकता है वो दे दे AB2 है और उसका स्ट्रक्चर है लीनियर,
और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ए सेंटर में यहाँ पर एग्जाम्पल सपोज आपको ये दे दे सीओ टू देने के बजाय ये दे दे आपको बी यहाँ पर, तो ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है ये दोनों सेम है। तो इसको जैसे सोल्व करेंगे जो फॉर्मुला हम इसके लिए डिराइव करेंगे अभी वही फॉर्मुला आप इसके लिए भी अप्लाई करोगे। ओके स्टार्ट करते हैं। तो मैं ऑक्सीजन का जो मास है उसको m1 कंसीडर कर रही हूँ और उसको इस वाले एटम को कंसीडर कर रही हूँ m2, ठीक है। अब क्या बात हुई कि यहाँ पे जो ये वाला डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया r1, यहां तक की जो बॉन्ड लेंथ इसको मान लिया r2, इतना ठीक है। उसके बाद देखो जो i होता है बेसिकली जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मॉलिक्यूल के सेंटर में लाई करता है अगर दोनों साइड सेम मासेस होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों का मास क्या है सेम है, मैंने m1 m2 लिखा जरूर है बट ये दोनों m1 और m2 क्या है सेम है, तो यहाँ पे क्योंकि एटम का मास सेम है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर इसके सेंटर में लाई करेगा मॉलिक्यूल के यहाँ पर, ठीक है। या फिर क्या होता है अगर दोनों एटम्स अलग अलग होते हैं कॉर्नर्स पे तो जहां पर हैवी एटम होता है उसके साइड लाई करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब आप क्या करोगे यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आई का फॉर्मूला होता है एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, इस तरह से आपने कर लिया। अब क्या है मैं एम टू को रिप्लेस कर रही हूँ वापस एम वन से, क्योंकि एम वन क्या है एम वन भी ऑक्सीजन का है और एम टू भी ऑक्सीजन का, दोनों को क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं और ऐसे ये भी सीओ का डिस्टेंस है और ये भी सीओ का डिस्टेंस है। तो यहां पर क्या होगा आर वन इज इक्वल टू आर टू और एम वन इज इक्वल टू एम टू, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा एम वन आर वन स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा एम वन आर वन स्क्वायर, तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा टू एम वन आर वन स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस ऑफ दी साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स सीओ टू या फिर इस तरह कोई एग्जाम्पल, ठीक है। एक ये वाला केस आता है और सेकेंड केस कौन सा है कि सपोज करो आपको HCl ऐसा दिया हुआ है, दोनों ही डिफरेंट एटम्स है। अब क्या है अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे हाइड्रोजन छोटा होता है और क्लोरीन साइज में बड़ा है, ठीक है। अब क्या होगा अगर मैं इनकी बॉन्ड लेंथ यहां से ड्रॉ कर दूं ऐसे, ये हमारी बॉन्ड लेंथ हो गई है। अब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर लाई करेगा, सेंटर में नहीं लाई करेगा इसका सेंटर, सपोज बॉन्ड लेंथ का सेंटर यहां पर है लेट से, तो सेंटर में लाई नहीं करेगा क्योंकि क्लोरीन क्या है हैवियर एटम इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो यहां पर कहीं लाई करेगा इसकी साइड पे। तो मैंने यहां पर ऐसे ड्रॉ किया और मैं यहां से लेके यहां तक इसको मान लेती हूँ आर टू और यहां से लेके इसको मान लेती हूँ आर वन, और जो ये टोटल है यहां से यहां तक इसको हमने मान लिया आर नोट, ठीक है। यहां तक टोटल है आर नोट, ये वाला डिस्टेंस आर वन और ये आर टू, इसका मास लेट से एम वन और इसका एम टू। इस वाले केस में जब ऐसे वाली कंडीशन होंगी तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायरेक्ट I इज इक्वल टू न्यू आर स्क्वायर, न्यू आर नोट स्क्वायर ऐसे। अब यहां पर ये क्या चीज है, ये है रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास और इसका फॉर्मूला कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको क्या करना है वन बाय न्यू इज इक्वल टू वन बाय एम वन प्लस वन बाय एम टू। अब आप क्या करोगे वन बाय न्यू इज इक्वल टू यहां से क्या हुआ एम वन एम टू इसका एलसीएम आ गया और यहां पर हमारे पास आ गया एम टू प्लस एम वन, या आप क्या लिख सकते हो इसको रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे तो यू इज इक्वल टू एम वन अपॉन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो ये हो गया आपका रिड्यूस मास का फॉर्मूला। अगर आपको इन दोनों का मास दिया हुआ है तो हमें डायरेक्ट और निकालना है मैग्नेटिक क्या नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सपोज अगर आपको इन दोनों के मासेस गिवन है और रेडियस भी गिवन है जैसे यहां तक की और यहां तक का डिस्टेंस आपको गिवन है या दोनों की बॉन्ड लेंथ सपोज गिवन है, ये आर नॉट क्या है बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, तो यहां से आप बॉन्ड लेंथ की वैल्यू पुट करोगे रिड्यूस मास आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे वहां से निकल जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से हमने कवर कर लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले जो एनर्जी लेवल से जो मैं बात कर रही थी किस तरह से होते हैं उनकी वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी रेशियो कैसे मतलब इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन में कैसे कैसे वेरिएशन आते हैं, जीएमएक्स कैसे निकलेगा वो सब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।